We have to look into another question. At the year end, A Limited year end is 31st March 2020. You know, these year ends are reporting period, reporting date. So it can be 30th June, it can be 31st, 30th September, it can be 31st December. So they held 60,000 shares in a listed company Z. Then A Limited. Ke pass, जेड कंपनी के साठ हज़ार शेयर अवेलेबल हैं द शेयर्स वर परचेज ऑन फेबर एलेवेंथ एट द प्राइस ऑफ एट फिफ्टी पर शेयर देखिए दस रुपये का शेयर है मार्केट में उसकी प्राइस अगर आठ रुपए पचास पैसे है तो आप उसको आठ रुपए पचास पैसे पर ही खरीदेंगे द मार्केट वैल्यू ऑफ़ द शेयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च व एट पॉइंट सेवन फाइव बढ़ गई क्योंकि ये डेली फ्लक्चुएट होती है बल्कि दिन में कई बार फ्लक्चुएट करती है तो देर इज नो वे कि जी आज आपने अगर खरीदा है दस रुपये का चेहरा आठ रुपये पचास पैसे में तो कल ये इससे बढ़ेगा या कम होगा यू नेवर नो इट गोज अप एंड डाउन द इन्वेस्टमेंट इज कैटेगराइज एट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग अगेन हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए आपने इसको बाई किया है ना शो एंट्रीज रिक्वायर्ड बोथ द इनिशियल रिकॉग्नीशन ऑफ़ द इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट री मेयरमेंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी शुरू इनिशियली जब आपने खरीदा तो कितने में कैसे रिकॉर्ड करना है और एंड ऑफ द ईयर अभी आपने बेचा नहीं है इन शेयर को अपने पास हैं तो इनको कैसे रिकॉर्ड करना है यानी yani, जब खरीदा है तो एंट्री देखें हेल्थ फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्लियरली बताना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने शेयर में की है आप सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स इट्स ओके लेकिन क्लियरली इसमें बताना है कि आपने ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदी है ताकि आप इसको लेटर ऑन बेच दें तो साठ हज़ार शेयर आठ पचास पैसे के हिसाब से पाँच लाख दस हज़ार रुपए के आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया अब मार्च एंड में उसकी वैल्यू पिछहत्तर पैसे आठ रुपए पिछहत्तर पैसे हो गए वो तो ट्वेंटी फाइव पैसा जो इंक्रीज आया है वो आप इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ये कम हो जाता तो फिर इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट होती और लॉस डेबिट होती गॉट माई पॉइंट जितना इसमें इंक्रीज होता जाएगा वो इन्वेस्टमेंट को डेबिट होता जाएगा और आपके गेन को क्रेडिट होता जाएगा लेकिन अगर वो कम हो रहा है तो आपको लॉस भी हो सकता है और ये होता है नॉर्मली इसलिए मेक श्योर के गेन है तो क्रेडिट करें गेन को अगर लॉस है तो डेबिट करें लॉस को द गेन शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द इनकम स्टेटमेंट सो सिमिलरली इफ देर इज अ लॉस दैट विल बी रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट एज वेल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट अ फेयर वैल्यू ऑफ फाइव हंड्रेड five फाइव lakh फाइव लैख अलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इफ़ यू मल्टीप्लाई सिक्सटी थाउजेंड बाई एट पॉइंट सेवन फाइव तो ये figure आएगी आपके और ये ऐसे भी देखें five ten में आप वन पॉइंट one thousand five hundred add कर लें तो यही बनता है पांच लाख ग्यारह हज़ार पांच सौ सो again clearly कि change जो होगी वो आपकी investments में आएगी और जो उसमें चेंज आएगी वो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगी और बैलेंस शीट में यानी फाइनेंशियल पोजीशन में आपकी फिगर जो है वो नई फिगर आएगी जो जिसमें आपने एडजस्टमेंट्स की है प्राइस के ऊपर नीचे जाने से थैंक यू वेरी मच